अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। और आज मैं आपको सलाम मॉल लेके जा रही हूँ क्योंकि सलाम मॉल में लगी हुई है ऑफ़र्स काफ़ी सारे ब्रांड पर, क्योंकि यहाँ पर सऊदीया का आ रहा है नेशनल डे और इसलिए हर ब्रांड ने ऑफ़र लगाई हुई है। और चाहे वो कोई किसी भी चीज़ का ब्रांड हो या कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो, हर किसी ने यहाँ आजकल ऑफ़र लगाई हुई है। तो आज मैं आपको दो तीन शॉप्स हैं जिनके सेल दिखाऊँगी। तो आए चलते हैं, आगे वीडियो देखते हैं। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। मैं इस वीक में डिफरेंट ऑफ़र्स की वीडियो लगाती रहूँगी ताकि आपको पता चलता रहे जद्दा में कहाँ पर क्या ऑफ़र चल रही है। सबसे पहले चलते हैं दी ब्यूटी सीक्रेट पर। ब्यूटी सीक्रेट ने सबसे पहले ऑफ़र लगाई थी और इन्होंने 90% ऑफ रखा हुआ है अपनी प्रोडक्ट्स पर। इनके बॉडी स्प्रे, बॉडी लोशन और परफ्यूम्स और हैंड क्रीम, डिफरेंट चीज़ें थी, एयर फ्रेशनर्स थे, कैंडल्स थी। आगे चल के मैं दिखाती हूँ आपको। ये मिनी हैंड क्रीम 8 रियाल की थी और ये लोशन जो थे ये तकरीबन स्मॉल साइज़ 4 रियाल के थे और जो फुल साइज़ था वो 5 रियाल का था। ये ग्रीन में जो सारी कलेक्शन है ये इनकी नेशनल डे की और कलेक्शन है सारी। कैंडल भी यहाँ पे बहुत अच्छी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। बॉडी स्प्रे, बॉडी मिस्ट, बॉडी लोशन और शावर जेल, इसकी मैक्सिमम वैरायटी थी यहाँ पर। ये गिफ्ट पैक्स भी हैं, इन पे भी तकरीबन 50% ऑफ है सब पर। अब तक तो मैक्सिमम लोगों ने विज़िट कर ही लिया होगा ब्यूटी सीक्रेट पर, लेकिन जिन्होंने अभी तक विज़िट नहीं किया और ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लाजमी विज़िट करें। इतनी अच्छी ऑफ़र्स जो हैं वो कम ही लगती हैं यहाँ। अच्छा, अगला स्टॉप था हमारा नेचुरल टच। इन्होंने भी 70% ऑफ लगाया हुआ था और ये फ्रंट पे हेयर ब्रश रखे हुए, पता नहीं क्यों। खैर, इनकी प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो बॉडी लोशन, बॉडी बटर, बॉडी परफ्यूम, बॉडी मिस्ट और इसके अलावा और भी इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स थी और मुझे ब्यूटी सीक्रेट से ज़्यादा अच्छी इनकी प्रोडक्ट्स लगी थी। जैसे कि ये आई मास्क था और इसके अलावा हेयर केयर के लिए भी काफ़ी प्रोडक्ट्स थी। ये आंवला पाउडर और डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर थे बालों के लिए। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ और चीज़ें भी, हेयर परफ्यूम्स भी थे यहाँ पर। ये सारे हेयर परफ्यूम्स थे और इनमें ही कई तरह की वैरायटी थी और डिफरेंट फ्रेग्रेंस थी हेयर परफ्यूम में भी। अच्छा, यहाँ पर कैंडल्स की, एयर फ्रेशनर की, बर्नर ऑयल, डिफ्यूज़र, इन सब की भी काफ़ी वैरायटी थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस थी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें लेकिन यहाँ सेल में बहुत रीज़नेबल थी। अच्छा, ये परफ्यूम्स जो थी ना ये बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम्स थी। इनकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल ऐसे थी जैसे हाई एंड ब्रांड की होती हैं परफ्यूम्स, इस तरह की थी और ये सिर्फ 75 रियाल में थी।
प्राइसेस तकरीबन मैंने हर प्रोडक्ट की ही शो की हैं, हो सकता है बीच में कोई मिस हो गई हो, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं हर प्रोडक्ट की ही प्राइस दिखा सकूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आफ्टर डिस्काउंट की क्या प्राइस लगी हुई है। अच्छा, ये डिफ्यूज़र्स जो थे ये मैंने कभी भी इतने कम प्राइस में नहीं देखे, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए हैं, जस्ट इन 25 रियाल। इस सेक्शन में सारे बॉडी बटर बॉडी स्क्रब थे और इनकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा लेस थी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टॉप था हमारा दी फेस शॉप और यहाँ पर भी 70-50% ऑफ था और इस ब्रांड की ज़्यादातर स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इसमें मेंशन तो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स पर किया हुआ था ऑफ, लेकिन यहाँ की वर्कर ने बताया था कि सभी प्रोडक्ट्स पर 50% ऑफ है। फेस मास्क की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और इन पर तकरीबन सब पर ही डिस्काउंट था। अच्छा, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ जो मुझे फेस शॉप पे लगती है वो ये एलोवेरा जेल है और ये भी काफ़ी लेस प्राइस में लगा हुआ है, ओरिजिनल है ये और मैंने ये तकरीबन साल पहले लिया था और अच्छी इसमें क्वांटिटी होती है और मैंने बल्कि नॉर्मल प्राइस में लिया था, अभी तो इस पे ऑफ़र लगी हुई है। ये सारी रेंज भी काफ़ी अच्छी थी, इधर क्लिंजर्स थे, सीरम थे, फेस क्रीम्स थी और डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रब्स थे और ये भी हाफ प्राइस पे लगे हुए थे। सऊदीया में भी जब नेशनल डे आने वाला होता है तो हर जगह ग्रीनरी हो जाती है, ड्रेसेस डिस्प्ले में ग्रीन लगा देते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें सब ग्रीन डिस्प्ले कर देते हैं। ये मेरा फेवरेट ब्रांड भी आ गया सफूरा, हमेशा से ही मुझे पसंद है, इस पे ऑफ़र बहुत कम लगती है और ये भी डिस्प्ले में देखें ग्रीन ही है, हर जगह ग्रीनरी हुई भी है। चलें, जाते जाते सोचा कि मियाँ के लिए सिनेमन रोल ले जाऊँ, सिनेमन से उन्हें बहुत पसंद है। पहले सिनेमन रोल मुझे नहीं पसंद थे, बल्कि सिनेमन की कोई भी चीज़ मुझे नहीं पसंद थी, तो जब ट्राई किया तो फिर ये अच्छा लगा मुझे भी। अब सोच रही हूँ कि ख़ुद से भी इसकी रेसिपी ट्राई करूँ, अगर अच्छी बन गई तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। चलें, वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो के एंड पे देख लें मियाँ का रिएक्शन जब उनकी फेवरेट चीज़ उन्हें दी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ले चले ही गए। ठीक है, मैं आपके लिए क्या लाई? ये?
मैं आपके लिए क्या लाई? मैंने पता सी तो इतने आना तो फिर लेके आ। आपको कैसे पता था? नहीं, आपको पता कैसे था आज? मुझे जरा ये तो बताएं, आपको पता कैसे था? पता लग जा अंदर आ, बढ़ चला अंदर। अभी भी मैं ही उठाऊं, रखे उठा के। चल की याद करेंगे, आ जाओ। तवे लगाएंगे, तवे लंबी करेंगे। इसको लंबी करेंगे वीडियो जी। असल में ये बनाना था सुपर ऑर्डर। अच्छा, मैं कह रहा था आप वीडियो बनाओ, मैं खा के बताता हूँ कैसे। सही है। हाँ, एक चम्मच ही खाएंगे कि पूरा खा के बताएंगे? पूरा खा के बताना पड़ेगा कि कैसे बोलना वो इधर का जायका। सबको पता है, पूरी दुनिया में हर किसी को पता होगा कि सिनेमन कैसा होता है, तो इसलिए आप रहने दे, आप ना बताएं खा के, हम खाने के बाद मिलते हैं।